हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। वो टॉपिक यही है, थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि बस करो कॉपी खो रहे हो, अपना भी दिमाग लगा लो। ये मतलब मेरे साथ मतलब 3 महीनों से मैं इसे झेल रहा हूँ और मैं सोचा यार रहने दो, कोई बात नहीं, आज सुधर जाएंगे, कल सुधर जाएंगे। हाँ भाई, इंसान है, इंसानी से गलती होता है, लेकिन नहीं, ये सब ऐसे कुछ लोग हैं जो सुधरने वाले ही नहीं हैं। 3 से 4 लोग हैं, मतलब मैं क्या बताऊं अब आप लोगों को। तो ये कोई टेक वीडियो नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो देखिए, और अगर नहीं इंटरेस्टेड है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये नॉन एडिटेड वीडियो, कोई भी एडिट इसमें नहीं है। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि जब भी मैं अपने टेक वीडियोज डालता हूँ, कुछ ना कुछ उसमें नयापन मैं लाता हूँ, है कि नहीं? आप लोग कुछ देखते ही होंगे मेरे वीडियोज में, मतलब कुछ ना कुछ नयापन रहता है, मतलब नए तरीके से वीडियोज आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मेरे पास अपना माइंड है, मेरे पास क्रिएटिव आइडियाज हैं, मैं अपने क्रिएटिव आइडियाज वीडियो में डालता हूँ, आप लोगों को अच्छा वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सब्सक्राइबर और व्यूज इतने ज्यादा हैं और वो मतलब देखते होंगे मेरे वीडियो, और क्या देखते हैं, अरे यार ये तो इस स्टाइल में कर रहा है, लाओ हम भी इसी स्टाइल को लगभग लेते हैं और अपना वीडियो बना के डाल देते हैं। तो मतलब मेरे वीडियो को कॉपी नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरे स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं। तो इस पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैं आप लोग देखते होंगे कि पहले मैं जब भी वीडियो डालता था गेमिंग के साथ डालता था, अब उसको हटा के कुछ नया अपन ला रहा हूँ और अभी और भी बढ़िया कंटेंट लाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्रिएटिव आइडियाज हैं और उन लोगों के पास कोई भी क्रिएटिव आइडियाज हैं ही नहीं। मतलब जब कुछ आइडिया ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? और जानते हैं आप लोग वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ज्यादा सब्सक्राइबर और ज्यादा व्यूज तो कोई भी देखेगा बोलेगा वाह यार ये तो बहुत बढ़िया वीडियो बनाया, और अगर मेरे पास देखेंगे भाई मेरे पास उतने ज्यादा व्यूज नहीं है, मेरे पास सब्सक्राइबर भी कम है, तो बोलेंगे अरे यार ये तो इसका कॉपी कर रहा है, बल्कि असल में ये हो रहा है बड़ा वाला छोटे का कॉपी कर रहा है। तो मतलब ये जो दिक्कत हो रहा है ना, मतलब मैं इससे बहुत ज्यादा परेशान हुआ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है और मैं नोटिस कर रहा था। मैंने कहा चलो यार छोड़ो, जाने दो, जो कर रहा है करने दो, 3 से 4 लोग हैं, मैं क्या कहूँ, बोला करने दो भाई कोई बात नहीं। लेकिन अब हद से ज्यादा हो चुका है, मैं जब भी कुछ नया ला रहा हूँ आप देख रहे होंगे, देखें चाहे ना देखें, लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे स्टाइल को कॉपी करते हैं, अपना वीडियोस डालते हैं और डाल देते हैं। भाई मैं एक बात बस कहना चाहता हूँ तुम लोगों से कि यार अगर खुद का दिमाग है तुम लोग के पास और एक अच्छे यूट्यूबर हो, एक सच्चे यूट्यूबर हो ना, तो खुद का क्रिएटिव आइडिया लाओ, 10 लोग आपको वैसे ही बोलेंगे हाँ भाई बहुत अच्छा वीडियो बनाया आपने। और अगर खुद का आइडिया नहीं है तो भाई करो कॉपी, क्या करना है? वैसे लोग कॉपी उसी का ना करते हैं जिसके पास कुछ दिमाग होता है, कुछ टैलेंट होता है कि नहीं? तो मेरे पास भले ही कम सब्सक्राइबर है, कम व्यूज है, भैया ये नंबर का खेल है, कब क्या पलट जाए कोई नहीं जानता है कि नहीं? और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कई लोग से मेरा बात भी हुआ है, मतलब ऐसे अकड़ के बात करते हैं जैसे वाह बहुत ज्यादा बहुत बड़े आदमी है। भाई इंसान हो, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने टैलेंट को शो करते हो, बताते हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हो, कोई अकड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। एक सच्चा यूट्यूबर यही होता है, हर किसी से अच्छे से बात करता है, अच्छे से वार्तालाप करता है, ये नहीं कि बस एकदम मतलब जैसे लग रहा बहुत बड़े आदमी बन गया, अरे भाई ये नंबर का खेल है, कल को मेरे पास हो जाएंगे तो मैं भी वैसे करूंगा। नहीं, मेरे चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे जितने भी हो सब्सक्राइबर या व्यूज, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं एक इंसान हूं, मेरे पास क्रिएटिव आइडियाज हैं, मैं लाता रहूंगा। बस मैं उन लोग को एक बात और कहना चाहता हूं कि भैया सुधर जाओ, खुद का दिमाग है, खुद का आइडियाज है, तो खुद का कुछ लाओ ना। मैं किसी का यहाँ पे कॉपी करता हूँ ना मैं किसी का कुछ करता हूँ। जो तुम लोग कर रहे हो ना वो बहुत बेकार हरकत कर रहे हो, अपना दिमाग तो लगाते नहीं हो, सोचते हो अरे वो तो छोटा यूट्यूबर है, लाओ उसी का मतलब लेके कंटेंट अपना में मतलब कॉपी कर लेते हैं स्टाइल को, हाँ यार इस तरह डाला चलो मैं भी डालता हूँ। अरे भैया इतने बड़े स्तर पे हो, कुछ नया करो, उससे काम नहीं चलने वाला है, कोई नहीं देखेगा। ये नहीं कि बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर ज्यादा व्यूज हैं तो सब जान जाएंगे अरे भैया यही है ना, कुछ नहीं, सब लोग समझदार हैं, देखने वाले समझदार हैं, जान रहे हैं कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। इसलिए वक्त है आप सुधर जाइए, सही से करिए। जो भी 3-4 लोग हैं मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ यहाँ पे। वार्निंग क्या मतलब, मैं सिंपल आप लोग को बता रहा हूँ, रिस्पेक्ट से बता रहा हूँ, सच्चे यूट्यूबर हो खुद के आइडियाज के साथ आओ, दूसरे का कॉपी मत करो। आखिर कितना कॉपी करोगे यार, ऊपर वाला भी देख रहा है कौन कितना मेहनत करता है, 150 वीडियो बना लिया हूँ, मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं है, फिर भी वीडियो डालता हूँ, क्यों डालता हूँ? मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर पैशन है, मैं रुकूंगा नहीं, है कि नहीं?
मैं रुकने वाला थोड़ी ना हूँ, मैं तो वीडियो डालते रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उन लोग की तरह थोड़ी ना कि बस किसी का आइडिया चुराओ तब डालेंगे भैया वीडियो, ना हम नहीं डालेंगे वीडियो, ऐसा थोड़ी ना है। अभी देखो संडे को मेरा एक और कंटेंट आएगा, एकदम ढांसू कंटेंट लाऊंगा आप लोग के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास आइडियाज हैं, मैं सोचता हूँ, वो लोग सोचते नहीं, वो लोग देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा, लाओ मिला डाल दें। इसलिए भाई टाइम है, अपना दिमाग लगाइए, अपने आइडियाज के साथ आइए। 10 लोग वैसे बोलेंगे हाँ भाई बहुत अच्छा वीडियो बना है। मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, 150 वीडियो से ज्यादा वीडियो बना चुका हूँ, आगे भी बनाता रहूंगा। ऊपर का भगवान जो है बैठा ना, वो सब देख रहा है कौन क्या कर रहा है, कौन कितना मेहनत कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, चाहे जितना भी साल बाद लग जाए, उसका फल उसको मिलेगा। तो इसलिए बार बार मैं यही चीज रिपीट कर रहा हूँ, सच्चे यूट्यूबर हो, अच्छे यूट्यूबर हो, अपने आइडियाज के साथ आओ, दूसरे का आइडिया कॉपी मत करो। अगर कॉपी करते हो तो बस इससे तो मैं यही समझूंगा यार मेरे अंदर और ज्यादा पावर आएगा, यार देखो लोग मेरा कॉपी कर रहे हैं, भले ही मेरे पास कम सब्सक्राइबर और व्यूज हो, क्यों ना हो। अरे क्या पता, मैं कह रहा हूँ बार बार भाई, नंबर का खेल है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो बस यही था इस वीडियो में, तो संडे को मैं एक नया कंटेंट लाने वाला हूँ, क्या पता भैया उसको भी ना कॉपी कर लो तुम लोग। खैर कॉपी करो चाहे जो करो, मेरा जो बात था अंदर का बात था मैंने अब कह दिया बस खत्म। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।